भारत में सचिन और सीमा की प्रेम कहानी बड़ी मशहूर है। हमारे साथ बात करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री हैं। सर, एक महिला पाकिस्तान से भारत आ जाती है, उसकी कोई जांच नहीं हो पाई अभी ढंग से, कैसे वो आ गई, सुरक्षा एजेंसियों में कहां चूक हो गई ऐसी? सब देख रहे हैं, अधिक बोलना उचित नहीं रहता ऐसे मामलों में। एक एक चीज़ आपको पता है, आपके मीडिया की तरफ से ही सबको पता हो रहा है क्या क्या हो रहा है। और एजेंसीज ऐसे कोई हमारी ये नहीं करती किसी चूक हो, एक एक चीज़ सबके सामने आएंगी, जो हो रहा है सारे लोग जानते हैं, अधिक बोलना उचित नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करिए। सर, मणिपुर की घटना को लेकर के विपक्ष बड़ा मुखर है। देखिए, विपक्ष बहुत बचकाना है, नादान है, जिस तरह के एलिगेशन और बातें कर रहे हैं, कोई बात है तो उसके लिए फोरम कौन सा है? संसद है ना, इसीलिए हम चुन के जा रहे हैं, जो बात आ रही है उस बात को कहिए तो सही, हिट एंड रन, मारो और भागो, ये विपक्ष का काम मैं लगातार देख रहा हूँ। अपने पास कुछ है ही नहीं, एक्सपोज हो जाएगा विपक्ष, इसलिए बात नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ बहस करने को तैयार नहीं है। कितनी बार कह दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, रक्षा मंत्री जी जो उपनेता हैं सदन के, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तैयार हैं, आओ तो सही। प्रजातंत्र में कोई बात अगर होती है तो उस बात का निराकरण करने का एक ही फोरम होता है, संसद। संसद का सत्र चल रहा, सत्र के अंदर बोलने के लिए तैयार हैं, जो बातें हैं उसको मिलजुल के करेंगे। विपक्ष इतना नादान है कि जैसे कह रहे ना, हवा देना, आग में घी डालना, जो हमारे शब्द हैं, ये सब विपक्ष कर रहा है। पूरा देश देख रहा है कितना नादान है। जब सरकार एक एक बात पर डिस्कशन करने को तैयार है तो क्यों नहीं आ रहा है और उल्टा एलिगेशन लगाता है, सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। बार बार स्पीकर साहब कह रहे हैं, बार बार उधर हमारे उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, सभापति राज्यसभा, कि भाई हम आपको पूरा चांस दे रहे हैं, आइए, नारे लिखो, हल्ला गुल्ला करो, भागो, या तो नॉलेज नहीं है या बदनाम करना चाहते हैं। कोई नहीं, हमको सबको दुख और दर्द है, पूरे देश को दर्द है, हमारी सरकार को दर्द है, सब चिंतित हैं, जो वहाँ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका निराकरण तो मिलजुल के करना चाहिए। एक विपक्ष अटल जी का था, जब 71 का वार हुआ, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, पक्ष विपक्ष तब होंगे जब देश बचेगा, हम एक हैं। और ये विपक्ष आज का है, जो हर जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, जो पाकिस्तान की भाषा थी वो भाषा हमारे विपक्ष ने बोली। आज मामलों को सुलझाना है, मिल बैठ के सुलझाना है, कोई गलतियां हो रही हैं, कोई कमियां रह गई कहीं पर, एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी बेसी रह गई, तो लोगों को मिलाना चाहिए, मिलाने के बजाय आप दूर करना चाह रहे हैं। ये विपक्ष है हमारा आज का, बिल्कुल नादान। अविश्वास प्रस्ताव भी ले आया आपके खिलाफ, क्या फर्क पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव से? इतने बिल, इतने अच्छे अच्छे बिल आए, कानून बन गए, अभी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द, अपनी सुझाव देते, अपनी बातें बताते, अगर कोई कहीं पर कमी रह गई थी तो और बेहतर कैसे होता इसको देखते, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लिया है, वो तो एक प्रोसेस है लोकतंत्र में, आया है तो स्पीकर साहब ने स्वीकार भी किया है, उसका उत्तर देंगे इसके माध्यम से। ये तो पहले भी कह रही थी सरकार, हम उत्तर देंगे, आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए एक घटना के बारे में? अब जब उस घटना के बारे में पहले ही कह रहे थे तो आपने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेके आप क्या करेंगे? आप तो बोलना ही पड़ेगा आपको, और उसका उत्तर सरकार को देना ही पड़ेगा, दे ही रही थी सरकार, हुआ क्या फिर भी, मुझे तो ये तो बताइए। और वोटिंग होगी, वोटिंग में सबको पता है क्या होना है, बुरी तरह से परास्त होना है विपक्ष को, जो इतना समय आप देश के हित में लगाते, क्षेत्र के हित में लगाते, जो बात अब यहाँ पर आएगी सरकार की तरफ से, जो उठाएंगे वो तो पहले से भी चल रही थी, इसलिए मैंने कहा विपक्ष बहुत नादान, बहुत बचकाना, और जिसको एक किस्म से कहते हैं कि विपक्ष का काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना बिना तथ्यों के, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश की जनता देख रही है 2024 में अच्छी तरह से इस बार विपक्ष को उत्तर देगी, इससे भी ज़्यादा मतों से मोदी जी जीतने वाले हैं, हमारी सरकार आने वाली है। ये हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है विपक्ष को लेकर के काफ़ी तीखी टिप्पणी की है कि 2024 में जनता विपक्ष को एक करा जवाब देगी। दानिश खान, ABP News, रामनगर।